13th question. A ball is thrown vertically upwards with a velocity of 49 meter per second. ध्यान से देखना है क्वेश्चन कैसे करने. Calculate maximum height to which it rises, total time it takes to return to the surface of earth. ध्यान से हमने इसको throw किया. तो एक ball को हम throw कर रहे हैं in vertically upward direction. Question number 13 है. ठीक है, ग्राउंड लेवल है, वी आर स्टैंडिंग हियर. यहां से हमने एक ऑब्जेक्ट को थ्रो किया विद इनिशियल वेलोसिटी 49 मीटर पर सेकेंड. ऑब्वियसली इनिशियल वेलोसिटी है ना ये. अब ये क्या होगा, इसको इट विल गो एंड एट हाईएस्ट पॉइंट इट विल स्टॉप फॉर अ व्हाइल. तो फाइनल वेलोसिटी क्या लेंगे हम, अपने आप जीरो लेंगे. Where is your book? तो फिर क्यों पूछ रहे हो, ये देखो नंबर लिखा है. क्यों? Very good. Move one step ahead. ठीक है, उसको ब्रेक में कंप्लीट करो ना. अब अपवर्ड मोशन के लिए एक्सेलरेशन कितनी लेनी है, -9.8. ये भी गिवन नहीं है क्वेश्चन में, यू हैव टू टेक योर सेल्फ. देखो जो मोशन चैप्टर के न्यूमेरिकल्स थे ना इक्वेशन ऑफ मोशन के, व्हाट वाज द डिफरेंस, देयर एक्सेलरेशन हैड टू बी गिवन इन द न्यूमेरिकल बिकॉज द मोशन वाज हॉरिजॉन्टल. हियर इन दिस केस द मोशन इज वर्टिकल अपवर्ड और वर्टिकली डाउनवर्ड एंड इन वर्टिकल डायरेक्शन एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विल बी देयर. तो आपने अगर वर्टिकल मोशन दी हुई है या अपवर्ड या डाउनवर्ड डजंट मैटर, पर आपने एक्सेलरेशन खुद से लेनी है इक्वल टू जी. गॉट दिस पॉइंट. फॉर न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स ऑलवेज रिमेंबर दैट फॉर वर्टिकल मोशन यू विल टेक एक्सेलरेशन योरसेल्फ इक्वल टू एक्सेलरेशन ड्यू टू ग्रेविटी विच इज 9.8 मीटर पर सेकंड. फॉर द फेवरेबल डाउनवर्ड डायरेक्शन यू विल टेक इट टू बी पॉजिटिव प्लस 9.8 मीटर पर सेकंड स्क्वायर एंड फॉर द अपवर्ड ऑपोजिट डायरेक्शन यू विल टेक -9.8. तो अब ये मत सोचना कि क्वेश्चन में सिर्फ आपको 49 दिया हुआ और कुछ भी नहीं दिया हुआ, क्योंकि ये चीजें आपने खुद से यूज करनी. अब पहला पार्ट है व्हाट इज द हाइट, मैक्सिमम हाइट गेन्ड बाय इट, कितनी हाइट तक जाएगी मैक्सिमम. तो ये एच हमें कैलकुलेट करना, दैट इज द डिस्टेंस इन दिस केस. सो फर्स्ट पार्ट इज वी विल बी यूजिंग, कौन सी इक्वेशन यूज करेंगे जिसमें यू वी ए एस आई हर्ड. So let us use third equation of motion, v square minus u square equal to 2as. Put the values, v 0 hai, u hai 49, acceleration hai -9.8 and s is h. We have substituted different values. Clear hai kaise values put ki? Now we have to solve this now. Yes? First step में आपको ये decide करना है कि v zero है और acceleration कितनी है. अब कौन सी equation है जिसमें सारे हैं, आपको h निकालना है ना, height निकालनी है, distance निकालना है. तो ये third equation में सब कुछ है, time नहीं है इसमें. Because we are not given any idea about the time for the timing. Okay? तो हमने थर्ड इक्वेशन चूज की, लेट अस सॉल्व नाउ. जीरो मींस नथिंग, -49 स्क्वायर -2 इनटू 9.8 h, माइनस गेट्स कैंसिल. अब एच क्या होगा, 49 का स्क्वायर ओवर 2 इनटू 9.8. द रिकॉर्डिंग हो रही है, कॉपी नहीं खुली अभी तक. कहाँ पे 49 है ये. ठीक है, अब ये 10 कर दो इसको, 49 टूज आर 98. ठीक है, चलो इसको सॉल्व करो कितना आया.
सॉल्व दे, हाँ बाय टू भी करो, वन ट्वेंटी मीटर, सो दिस इज मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय दिस वॉल. ये फर्स्ट पार्ट का आंसर हो गया आपका, मैक्सिमम हाइट अटेन्ड बाय द वॉल. अब इसी पोर्शन के लिए हम टाइम भी निकाल लेते हैं यूजिंग फर्स्ट इक्वेशन ऑफ मोशन v इक्वल टू यू प्लस ए टी. लेट अस फाइंड आउट द टाइम इट टेक्स टू रीच द मैक्सिमम पॉइंट, द हाईएस्ट पॉइंट. पहले एक साइड का टाइम निकाल लेंगे, उसका डबल कर देंगे तो रिटर्न का आ जाएगा. सो व्हाट इज द लॉजिक वी आर यूजिंग हियर. सेकेंड पार्ट है कि कितने टाइम के बाद ये बॉल वापस आ जाएगी, जहां से हमने इसको थ्रो किया था ग्राउंड पे वहीं से वापस आ जाएगी. तो ये सिमेट्रिकल है, द टाइम दैट इट टेक्स टू रीच द मैक्सिमम हाइट सेम टाइम विल बी टेकन बाय इट टू रिटर्न बैक आल्सो. तो एक साइड का टाइम निकाल लेंगे, उसको डबल कर देंगे, हमारा टोटल टाइम आ जाएगा टू रिटर्न बैक. तो हम पहले एक साइड का टाइम निकालने जा रहे हैं यूजिंग v इक्वल टू यू प्लस ए टी. सो v इज 0, u इज 49, एक्सेलेरेशन इज -9.8 इंटू टी. आप इसको ऐसे लिख सकते हो, लेफ्ट साइड को राइट पे, राइट को लेफ्ट पे भी लिख सकते हो, नो प्रॉब्लम्स बोथ ऑफ यू. तो अब -9.8 टी को उधर ले जाइए, दिस इज अब 9.8 को डिनोमिनेटर में ले आओ, यस 49 टूज और ये 5 हो. सो एक साइड का टाइम है 5 सेकेंड. तो व्हाट इज द टाइम टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न बैक टू द ग्राउंड इज 5 + 5 = 10 seconds. सो दिस मच टाइम विल बी टेकन बाय द बॉल टू रिटर्न बैक. तो ये 5 सेकेंड एक साइड का टाइम है, उसका डबल कर दो 10 सेकेंड टू रिटर्न. फॉर द रिटर्न जर्नी ऑल्सो इट विल टेक अनदर 5 सेकेंड. ओके, तो ये तो हो गया वर्टिकली अपवर्ड मोशन के लिए इस टाइप के क्वेश्चन ऐसे सॉल्व करने हैं. अब वर्टिकली डाउनवर्ड मोशन के लिए नेक्स्ट न्यूमेरिकल देखते हैं. सो फर्स्ट हैव अ लुक एट दिस, इफ यू हैव एनी डाउट्स यू कैन आस्क. टी लिखना तो जरूरी है, 9.8 इंटू टी है ना, वो तो लिखना ही पड़ेगा. सॉल्व इन योर ओन वे बट इट शुड बी करेक्ट. क्वेश्चन नंबर 14. अब ये देखो डाउनवर्ड मोशन का क्वेश्चन है, इसको कैसे करना है. दो ही केसेस हैं, अपवर्ड और डाउनवर्ड. दिस इज द सेकंड केस नाउ. 14. अ स्टोन इज रिलीज फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टावर ऑफ हाइट 19.6 मीटर. एक स्टोन को, ये टावर है, वहां से हमने थ्रो किया है जिसकी हाइट है 19.6 मीटर. वी ड्रॉप अ स्टोन हियर फ्रॉम हियर, यस. कैलकुलेट इट्स फाइनल वेलोसिटी जस्ट बिफोर रीचिंग द ग्राउंड. अब ये ग्राउंड पे पहुंचते ही इसकी कितनी स्पीड हो जाएगी. व्हेन इट इज ड्रॉप्ड फ्रीली इट्स यू इज 0. तो आपको यू 0 लेना पड़ेगा अपनी साइड से. अब यहां पहुंच के इसकी फाइनल वेलोसिटी क्या है, दैट यू हैव टू कैलकुलेट. And again for downward motion you have to take acceleration yourself plus 9.8 meter per second square. For the downward motion always take acceleration plus g. और g कितनी है आपको पता ही है, 9.8 meter per second square. So this is the data we are having. Again we can use third equation. H दिया हुआ है ना, तो आपको third equation लगानी है v निकालने के लिए.
So let us use third equation now. Two into 9.8 is 19.6. Meter per second. So the velocity is 19.6 meter per second. Yes. Likho attendance. Anshia, roll number 4, 15, 11, 32. Next question. Before we do 15th question, it has actually two parts. नहीं चलो अभी कर ही लेते हैं 15. देखिए, a stone is thrown vertically upward with initial velocity of 40 meter per second. Taking G10, find maximum height reached and net displacement total distance. बिल्कुल अभी 13th question जैसे किया है ना वैसे ही करना है. Try yourself, hurry up. 15th question. A stone is thrown vertically upward with initial velocity of 40. U कितना है अब यहाँ पे? 40 है. वही आपको पहले मैक्सिमम हाइट निकालनी है. तो वी जीरो ले लो, एच कैलकुलेट करनी है, एक्सेलरेशन माइनस. यस चलो 10 ले लो यहाँ पे. अगर ये देखो कुछ ऑड नंबर होता है जैसे 49 था लास्ट केस में, तब तो आपने 9.8 ही लेना. अगर आपको लग रहा है कि यहाँ पे 10 लेके कन्वीनियंट होगा तो मेंशन कर दो कि वी आर टेकिंग एक्सेलरेशन राउंडिंग ऑफ वैल्यू, वी आर टेकिंग 10. ठीक है, चलो यहाँ पे 10 ले लेते हैं, बट यू हैव टू मेंशन. सो मैक्सिमम हाइट के लिए थर्ड इक्वेशन लगाइए. मीटर हो गया फर्स्ट पार्ट, मैक्सिमम हाइट अटेंड आ गई आपकी 80 मीटर्स. नेट डिस्प्लेसमेंट क्या होगी? इट गोज देयर एंड रिटर्न्स बैक टू द सेम पॉइंट, जीरो. नेट डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड, जितना ऊपर जाने के लिए कवर हुआ उतना वापस आने में भी होगा. 80 + 80 160 मीटर. सो डिस्प्लेसमेंट इज जीरो एंड टोटल डिस्टेंस कवर्ड is 160 meter. 80 + 80, 160 meter. So we found all the three parts. Yes. यहाँ तो जी दिया ही हुआ है 10. ठीक है, फिर तो 10 ही लेना है. S क्या? क्या कह रहे हो? S को H ले रहे हैं ना हम? हाँ, कैपिटल S लेते हैं. क्वेश्चन नंबर 16. कैलकुलेट फोर्स ऑफ ग्रेविटेशन बिटवीन अर्थ एंड सन. तो आपको न्यूटन्स लॉ ऑफ ग्रेविटेशन यूज करना पड़ेगा. मास ऑफ सन एंड मास ऑफ अर्थ डिवाइडेड बाय डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ, एवरीथिंग इज गिवन हियर. लेट अस जस्ट पुट इन द वैल्यूज एंड सॉल्व. सिर्फ आपको वैल्यूज पुट करके इसको सॉल्व ही करना है. मास ऑफ सन, मास ऑफ अर्थ, डिस्टेंस बिटवीन सन एंड अर्थ. Distance between sun and earth will be the distance here. Mass of earth दिया हुआ है, mass of sun भी दिया हुआ है. Distance between sun and earth is also given. ठीक है, ये घर से सॉल्व करके आपने यहाँ पे आंसर लिखना. ठीक है, you will solve it at home.
हाँ इसका स्पेस छोड़ दो, टू लाइंस छोड़ दो. आंसर लिख लो, आप वेरीफाई कर लेना घर जाके. 35.2 × 10^21 न्यूटन आता है इसका, घर जाके वेरीफाई करना है आपने. ठीक है, हाँ वन एंड द सेम थिंग. सी क्वेश्चन नंबर 17. कोई फर्क फर्क नहीं पड़ रहा ना. हाँ चलिए 17th क्वेश्चन देखो. अ स्टोन इज अलाउड टू फॉल फ्रॉम द टॉप ऑफ ए टॉवर 100 मीटर हाई. दो स्टोन है इस क्वेश्चन में. पहला स्टोन यहाँ से फ्रीली फॉल करवा रहे हैं, स्टोन नंबर वन. उसके लिए यू जीरो होगा. डाउनवर्ड मोशन के लिए एक्सेलरेशन कितनी लोगे आप? प्लस 10 ले लेते हैं यहाँ पे, क्योंकि 100 दिया हुआ है ना, तो 10 कन्वीनियंट रहेगा आपके लिए. ठीक है, अब एक स्टोन उन्होंने यहां से ग्राउंड से ऊपर थ्रो किया, उसी टाइम पे एक और स्टोन फेंका, सेकंड स्टोन. अब इसके लिए एक्सेलरेशन है -10 और यू इसकी कितनी है? 25 मीटर पर सेकंड. दे हैव थ्रोन इट विद अ स्पीड ऑफ 25 मीटर पर सेकंड. देखो ऊपर से नीचे तो स्टोन विदाउट इनिशियल वेलोसिटी गिर सकता है, बट व्हेन वी प्रोजेक्टेड अपवर्ड तो हमें इनिशियल वेलोसिटी देनी ही पड़ेगी, उसके बिना तो स्टोन ऊपर नहीं जा सकता. ठीक है, दे आर आस्किंग व्हेन विल द टू स्टोन्स क्रॉस ईच अदर, व्हेन एंड वेयर. कहां पे ये वाला स्टोन और वो वाला स्टोन पैरेलल हो जाएंगे? ये जितने टाइम में यहाँ आएगा उतने टाइम में यहाँ आ जाएगा. तो लेट अस से एक स्टोन का डिस्टेंस कवर्ड है एक्स, तब दूसरे का कितना हुआ? 100 - x हो गया. और टी टाइम दोनों मिलते हैं एक ही टाइम के बाद, जितने टाइम में वो वहां से यहाँ पहुंचा उतने टाइम में ये वहां से वहां पहुंच गया. तो टू थिंग्स वी हैव टू फाइंड, एक्स भी निकालना है टी भी निकालना. तो लेट अस राइट द इक्वेशन फॉर बोथ द स्टोन सेपरेटली. फॉर फर्स्ट स्टोन लेट अस राइट एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. कितना डिस्टेंस ट्रेवल किया? एक्स. पहले स्टोन ने इतना ही किया ना ट्रेवल. U कितना था इसका? 0. एक्सेलरेशन कितनी है इसकी? 10. T हमें नहीं पता, T स्क्वायर लिख दिया. 2 5s are 10. X आ गया 5t स्क्वायर. इसको बोल दो फर्स्ट इक्वेशन. दिस इज फॉर द फर्स्ट स्टोन. देख लो सारा कुछ. इसकी एक्सेलरेशन पॉजिटिव है और हमने 10 ली है. टाइम नहीं पता, X भी नहीं पता. दिस इज योर इक्वेशन नंबर वन. यहां तक कोई डाउट फॉर द फर्स्ट स्टोन? हाँ यू टी, तो 0 × t 0 ही हो जाएगा ना. नाउ फॉर सेकंड स्टोन. नहीं अभी हम नहीं कर सकते, दोनों ही नहीं पता ना, मैं एक्स भी नहीं पता टी भी नहीं पता. क्या हो जाएगा? कैसे करोगे? दोनों ही चीजें अभी नहीं पता, एक और इक्वेशन चाहिए ना आपको. तो वो सेकंड स्टोन के लिए करते हैं. अगेन यूज एस इक्वल टू यू टी प्लस हाफ ए टी स्क्वायर. नाउ व्हाट इज द डिस्टेंस ट्रेवल्ड बाय सेकंड स्टोन? 100 - x. यू इसका 25 है और एक्सेलरेशन है इसकी -10. यहां माइनस आ जाएगा, -10 है इसकी एक्सेलरेशन. ठीक है, -10 है ना. देखो पर्टिकुलर फिल की है, क्योंकि आप दोनों तरह के न्यूमेरिकल कर चुके अपवर्ड डाउनवर्ड मोशन के लिए, तो यहां दोनों का मिक्सचर है इस क्वेश्चन में. तो ये क्या आ गया? 100 - x 25t - 5t स्क्वायर. ये आ गई आपकी इक्वेशन नंबर टू. अब दो अननोन्स हैं x और t और दो इक्वेशंस हैं.
इनको सॉल्व कर सकते हो, पुट एक्स इक्वल टू फाइव टी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर वन, ठीक है। एक्स को यहाँ पे क्या पुट करेंगे, फाइव टी स्क्वायर पुट कर देंगे, पुट एक्स इक्वल टू फाइव टी स्क्वायर इन इक्वेशन नंबर टू, एक्स को क्या पुट करेंगे, फाइव टी स्क्वायर, यहां से बाकी सारा कुछ वैसे ही रहेगा, सिर्फ एक्स को पुट करो फाइव टी स्क्वायर, सी माइनस फाइव टी स्क्वायर विल गेट कैंसल्ड ऑन बोथ साइड्स, तो वी आर लेफ्ट विद 100 इज इक्वल टू 25 टी, यहां से टी आ गया, हाँ फोर आ गया, टाइम आ गया 4 सेकेंड, एक चीज निकाल ली कि दे विल मीट आफ्टर 4 सेकेंड, गॉट इट। अब इसको यहां पुट कर दो टाइम को, एक्स आ गया, डिस्टेंस फ्रॉम द टॉप आएगा क्योंकि हमने एक्स टॉप से लिया था 80 मीटर, सो दे विल मीट एट अ डिस्टेंस ऑफ 80 मीटर फ्रॉम द टॉप और 20 मीटर फ्रॉम द बॉटम भी कह सकते हो, ठीक है। सो दिस इज योर क्वेश्चन, सी दिस इज अ कॉम्प्लिकेटेड वन, बट आपने दोनों तरह की मोशंस किए हैं, इंडिपेंडेंटली इक्वेशन लगाई, उनको मर्ज कर दीजिए, जस्ट हमें यही करना है, फाइन। अरे कहाँ जाऊं बताओ, उधर वाले कह रहे हैं माइक ये लगा हुआ है ना, वायर कर लिया ना, हो गया। लास्ट क्वेश्चन नंबर 18 नाउ, एटीन क्वेश्चन करिए ट्राई अपने आप, यस एटीन है, अ बॉल थ्रोन वर्टिकली अप रिटर्न्स टू टू थ्रोअर आफ्टर 6 सेकेंड, चुप करो एक मिनट, एक जो बॉल है वर्टिकली ऊपर फेंकी और थ्रोअर के पास 6 सेकेंड के बाद वापस आ रही है, इसका मतलब एक साइड का टाइम कितना है, 3 सेकेंड, तो एक साइड का टाइम ले लेते हैं 3 सेकेंड यहां से यहां तक का। फर्स्ट पार्ट है फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन, फाइंड द वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, यू कितना है, वी जीरो होगा, और अपवर्ड मोशन की एक्सेलरेशन कितनी होगी, -9.8 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर, बिकॉज इट्स नॉट गिवन हियर, माइनस ऊपर के लिए, हाँ तो नेगेटिव लेते हैं ऊपर के लिए, हम डाउनवर्ड के लिए प्लस लेते हैं। अरे ये तो तीनों क्वेश्चन देखो पिछले ऐसे ही किया हमने, तो यूज फर्स्ट इक्वेशन v इक्वल टू u प्लस at, u जीरो v जीरो है, टाइम है 3, तो u कितना आ गया 29.4, सॉल्व इन योर ओन वे, 9.8 को 3 से मल्टीप्लाई करो, इट विल बी 29.4 इक्वल टू 0, सो यू इज 0 प्लस 29.4 या 29.4, सो फर्स्ट पार्ट हो गया वेलोसिटी विद विच इट वाज थ्रोन अप, सो इट वाज थ्रोन अप विद अ वेलोसिटी ऑफ 29.4 मीटर पर सेकेंड। सेकेंड पार्ट करिए जिन्होंने ये कर लिया, मैक्सिमम हाइट निकालिए कितनी हाइट तक जाएगा, थर्ड इक्वेशन लगा दो बस, फाइंड मैक्सिमम हाइट अटेन,
So maximum height attained by the stone is 44.1 meter. ठीक है, थर्ड इक्वेशन लगाइए बस, बिल्कुल वैसे ही अटेम्प्ट किया जैसे 13th क्वेश्चन किया था. U अब हम कैलकुलेट कर चुके हैं ना, वी हैव सब्स्टिट्यूटेड दैट U हियर. ये 2as 2 × −9.8 × h, ए कितनी है, −9.8 है ना, वो पुट किया है हम. थर्ड पार्ट ट्राई करिए जिन्होंने ये कर लिया. पोजीशन आफ्टर 4 सेकंड, देखो इसमें बहुत सोचना पड़ेगा आपको. 3 सेकंड में इसकी पोजीशन कितनी है, 44.1. 4 सेकंड में देखो टोटल जर्नी 6 में कंप्लीट करता है, इसका मतलब 1 सेकंड और में कहां पहुंचा ये आपको नहीं पता. फिर हम पोजीशन डिसाइड करेंगे. टोटल 44.1 है, उसमें से वो डिस्टेंस माइनस कर देंगे, पोजीशन आ जाएगी. तो हाउ विल यू कैलकुलेट इट्स डाउनवर्ड मोशन कवर्ड इन 1 सेकंड. तो जो वी था वो यू बन जाएगा फर्दर मोशन के लिए. पहले वहां तक जाता है फिर वापिस आता है, वापिस आते हैं जो वी था वो यू बन जाएगा. फ्रीली फॉल कर रहा है ना अब, तो अब यू जीरो लोगे इतने पार्ट के लिए, और टाइम लोगे 1 सेकंड, और एक्सेलरेशन लोगे +9.8, वो तो पता ही आपको डाउनवर्ड मोशन. यहाँ आएगा ना, कहाँ पे पहुंचेगा वही तो निकालना है. तो वी हैव टू कैलकुलेट एच फॉर दिस पार्ट. 4 सेकंड है ना, देखो 3 सेकंड में तो यहाँ तक पहुंचा है 44.1 तक, हमें पता है. 1 सेकंड में और कहाँ पहुंचता है जब ये नीचे आना शुरू करता है. क्वेश्चन समझो ना कि क्या है. 6 सेकंड में तो पूरा वापिस आ जाएगा, 1 सेकंड में यहाँ कहीं पहुंचा होगा, वो निकालना है आपको. सो यूज थर्ड इक्वेशन फॉर दिस पार्ट. ठीक है, आपको क्या निकालना है, हाइट निकालनी है ना. सेकंड इक्वेशन यूज करिए. देखो इसके लिए ब्रेन अप्लाई करना पड़ेगा, आपको सोचना पड़ेगा. चुप करो पहले. 3 सेकंड में ये जो स्टोन है हाईएस्ट पॉइंट पे गया, 6 सेकंड में वापस आ गया जहां से फेंका था. अरे वो तो स्टेटमेंट में गिवन है, पढ़ो, बुक नहीं है ना आपके पास. 6 सेकंड पहली स्टेटमेंट है कि उसमें वो वापस आ जाता है थ्रोअर के हैंड में. इसका मतलब वहीं से तो हमने लिया था कि हाईएस्ट पॉइंट पे, इसका मतलब 3 सेकंड में पहुंचता है. अब वो कह रहे 4 सेकंड में कहां होगा. 3 सेकंड पे मैक्सिमम हाइट पे है, 6 सेकंड में थ्रोअर के पास वापिस आ गया, यहाँ आ गया. 4 सेकंड में तो यहाँ कहीं पहुंचा होगा ना, तो 1 सेकंड और आपको उसका डिस्टेंस निकालना है पहले, वो हम कर रहे हैं. एच इक्वल टू यू टी प्लस आप एटी स्क्वायर में. ठीक है, अब टाइम कितना लेंगे, 1 सेकंड. चलो करो सॉल्व. यू जीरो टाइम 1 सेकंड, 4.9 आ गया ये. तो इसका मतलब 4 सेकंड के बाद ये टॉप से 4.9 पे है. तो इसकी पोजीशन फ्रॉम द ग्राउंड क्या है, 44.1 − 4.9. यहाँ इतनी हाइट पे है ये, इस टाइम यहाँ पे है. पोजीशन बताओगे ना आपकी हाइट है कहाँ. क्वेश्चन जिन्होंने पहले फर्स्ट पार्ट सेकंड पार्ट समझा उनको समझ में आएगा, ये विजुअलाइज करना पड़ेगा आपको. ठीक है, न्यूमेरिकल्स में ऐसे ही नहीं कि बस देखे बिना सॉल्व कर दिया. सो पोजीशन, यस थर्ड पार्ट है ये. आफ्टर 4 सेकंड पोजीशन, हाईएस्ट डिस्टेंस माइनस वेयर इट इज आफ्टर 1 सेकंड, 39.2 मीटर. तो ये इतनी हाइट पे होगा फ्रॉम द ग्राउंड. हर टाइम बातें नहीं, वो मुझे पता है आंसर वो रहा. क्यों पूछ रहे हो आप, कॉपी लेके आओ दिखाओ, पुराना भी अभी यही लिखा हो. ध्यान दो नहीं जाना आपका, फेयर कॉपी है, फेयर कॉपी. क्यों मतलब आज तुमने कॉपी भी नहीं देनी, होमवर्क नहीं ना करते, टेस्ट में देखो कितने नंबर आते हैं, पता ही है. क्या कर रहे हो,
पेरेंट्स को कॉल करती हूँ मैं आज। ये देखो इधर मैंने आधा पीरियड खड़े रखा, बिठा दिया, फिर वही बात। स्टैंड अप अगेन, स्टैंड अप दिस बॉय तुषार ऑल्सो।